नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ बात करेंगे दो तीन चीज़ों की। इसमें आप देखेंगे कि इसकी लास्ट डेट जो है बढ़ाकर अब 25 मई कर दी गई है। परीक्षा की तिथि 20 से 30 जून कर दी गई है। और कितने लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, कितने लाख सीटें हैं इसमें, तो सीटों के सापेक्ष कितने लाख लोगों ने फॉर्म को भर दिया है अभी तक, आप यहां पर देख सकते हैं कि जो डिटेल में सूचना दी गई है उसमें परीक्षा सचिव जो परिषद है के सचिव राम रतन ने बताया कि विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा संबंधित विस्तृत अपडेट जानकारी परिषद की वेबसाइट पर दी जाएगी। अब तक 2,38,000 सीटों के सापेक्ष 3,17,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, यानी अभी तक ज़्यादा फॉर्म नहीं भरे गए, यानी अभी 3 लाख जो हैं 3,17,000 जो हैं केवल फॉर्म भरे गए हैं। आप सभी लोग देखिए 3,17,000 फॉर्म भरे गए हैं, जो कि सीट्स दो हैं यहाँ पर 2 लाख जो हैं 38,000 टोटल सीट्स पॉलिटेक्निक में हैं, और इसमें सभी हैं इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इंजीनियरिंग में हैं, बाकी बहुत सारे हैं डिफार्मा की कुछ सीट्स हैं। तो ये इस तरीके से पूरी पॉलिटेक्निक की जो सीट्स हैं वो 2,38,000 हैं। तो इस तरीके सीट्स बहुत हैं, और सीट्स बहुत होने के साथ साथ जो है आवेदन भी संख्या कम की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहा गया कि इसकी लास्ट डेट जो है बढ़ा दी गई है। अब इसे 25 मई से बढ़ाकर या 15 मई से बढ़ाकर 25 मई कर दी गई, क्योंकि एक बार बढ़ाई गई थी जो कि 15 मई की गई, फिर अब 15 मई से 25 मई कर दी गई है। तो अब 25 मई तक आप इसे आवेदन कर पाएंगे, ये एक आपके लिए बेहतर खबर है। और फिर उसके बाद परीक्षा की तिथियों के लिए समय आपको दे दिया गया है, काफ़ी हद तक समय रहा। अब रहेगा ये परीक्षाएं की तिथि जो है 20 जून से लेकर 30 जून के मध्य आपकी परीक्षाएं कराई जाएंगी, और इसमें किस दिन आपका स्लॉट पड़ेगा इसकी समय सारणी और उसका एडमिट कार्ड पर आपका डिटेल आएगी। यानी प्रवेश परीक्षाएं 20 से 30 जून के बीच कराई जाएंगी पॉलिटेक्निक की, इसी में आपका डिप्लोमा का आता है, बाकी भी बहुत सारे कोर्सेस आते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और तैयारी में लगे रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।